हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि LIC का IPO जो है वो लॉन्च हो चुका है 4 मई को ही, कल ही हो गया था। बिकॉज ऑफ सर्टेन इशू कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया और बनाया भी नहीं था मैंने, आज इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो वो बेसिकली हर गली हर मोहल्ले हर जगह LIC के IPO की बातें हो रही थी। तो इशू भी हो चुका है, 4 मई को ओपन हो चुका है उसका IPO। हम लोग इसी से रिलेटेड आज बात करेंगे, LIC कंपनी के बारे में समझेंगे, इसके फाइनेंशियल्स के बारे में समझेंगे, समझेंगे कि जो भी इतना इसका हाइप है LIC का, कि LIC का IPO आ रहा है, IPO आ रहा है, वो वर्थ है कि नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। और इसके मतलब ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, जैसा कि नाम से ही हम लोग को पता है कि LIC जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। तो इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसको एनालाइज करने का तरीका थोड़ा अलग होता है रिलेटिव टू अदर बिजनेस कंपनीज। तो स्टार्ट करते हैं, वेलकम टू स्टॉक इनसाइडर 101। तो जाहिर सी बात है कि जो इसका IPO है वो 4 मई को आ चुका है। जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो अपने लॉट को बुक कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं थ्रू देयर डीमैट अकाउंट, जो भी उनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उस पर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो कंपनी है वो ऑफर फॉर सेल कर रही है। ऑफर फॉर सेल हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वो शेयर जो कि प्रमोटर्स या शेयर होल्डर के हैं और वो अपना शेयर को डाइल्यूट कर रहे हैं, यानी कि आप अपने ओनरशिप ऑन क्लेम्स ऑन ओनरशिप को बेच रहे हो, ठीक है, क्लेम्स ऑन ओनरशिप आप इसको क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, और आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर को ही बेच रहे हो, नया शेयर इशू नहीं कर रहे हो, तो उसको हम ऑफर फॉर सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे 221,374,920 इक्विटी शेयर को डाइल्यूट कर किया जा रहा है, और जो हमारे प्रमोटर हैं जो कि अपना शेयर बेच रहे हैं वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अपने शेयर्स को डाइल्यूट कर रही है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो इसकी छोटी सी डिटेल। उसके बाद जो प्राइस बैंड है हम लोग का, प्राइस बैंड है हम लोग का 902 रुपये से 949 रुपीज़ का। इसका मतलब है कि हमने बुक बिल्डिंग मेथड का यूज़ किया गया है, बुक बिल्डिंग मेथड का यानी कि एक रेंज दिया गया है, आप इस रेंज में अपने लॉट को बुक कर सकते हैं। मिनिमम आपको जो है एक लॉट आप बुक कर सकते हैं, और एक लॉट में आपके हैं 15 शेयर्स, यानी कि मिनिमम आपको 15 शेयर्स बाई करना होगा, रजिस्टर करना होगा। वो आपको शेयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बात की बात है, बट आपको जो मिनिमम लॉट बुक करना होगा वो 15 शेयर का है, एक लॉट बुक करना होगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ये है कि जो रिटेल इंडिविजुअल है, रिटेल इंडिविजुअल हम जानते हैं कि वो होते हैं जो कि लगभग 2 लाख से कम के इन्वेस्टमेंट करते हैं IPO में, उनको रिटेल इन्वेस्टर बोलते हैं। जो 2 लाख से ज़्यादा का करते हैं उनको भी आप रिटेल इन्वेस्टर बोल सकते हो, बट वो HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की कैटेगरी में आते हैं। तो जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको 45 रुपीज़ डिस्काउंट पे, यानी कि 902 माइनस 45 से लेके 949 माइनस 45, इस रेंज में वो बिड कर सकते हैं, ठीक है। तो 902 में से 45 को जब हम लोग माइनस करेंगे तो कितना होगा, 857 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 857, और 949 में से जब आप 945 को घटाओगे तो ये हो जाएगा 904, यानी कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो 857 से 904 रुपीज़ में शेयर्स को बाई कर सकते हैं, यानी कि लॉट को बाई कर सकते हैं। जो आपका पॉलिसी होल्डर है, पॉलिसी होल्डर यानी कि जिन्होंने पहले से पॉलिसीज ली हुई हैं, ठीक है, एक सर्टेन डेट है शायद आई थिंक अप्रैल से पहले जो जो पॉलिसी होल्ड करते हैं वो लोग 60 रुपीज़ डिस्काउंट पे इनके शेयर्स को खरीद सकते हो, यानी कि 902 माइनस 60 से लेके 949 माइनस 60 जो है ये आपका प्राइस रेंज रहेगा, किसके लिए, जो कि आपके एलिजिबल पॉलिसी होल्डर हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप रिटेल इन्वेस्टर भी हो प्लस आपका पॉलिसी भी LIC में, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप रिटेल इन्वेस्टर के तरीके से भी आप उस IPO में बुक कर सकते हो अपने शेयर को, और पॉलिसी होल्डर के तरीके से भी बुक कर सकते हो, यानी कि एक पैन कार्ड पे आप 2 बार, यानी कि 2 बार आप इन्वेस्ट कर सकते हो इस IPO में। पहले क्या होता था कि सिर्फ एक पैन कार्ड अगर आपके पास है तो आप सिर्फ एक बार बुकिंग कर सकते हो, जो भी आपका नंबर ऑफ लॉट आप लेना चाहते हो, बट यहाँ पे एक पैन कार्ड पे आप 2 बार बुक कर सकते हो, एक एज अ रिटेल इन्वेस्टर और दूसरा एज अ पॉलिसी होल्डर, ठीक है। तो ये एक नया चीज़ है इस वाले IPO में। फिर उसके बाद फ्लोर प्राइस जो है वो 90.2 टाइम्स है। अब फ्लोर प्राइस क्या होता है, आई होप ये आप लोगों को पता होगा कि जो ये रेंज है 902 से 949, इसमें 902 जो है वो फ्लोर प्राइस है और 949 जो है ये आपका कट ऑफ प्राइस, चाहे आप इसको कैप प्राइस भी बोल सकते हो। तो फेस जो वैल्यू है, फेस वैल्यू जो है इस शेयर का वो है 10 रुपये, यानी कि जो ओरिजिनल वैल्यू है एक शेयर की, यानी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जब इस कंपनी के शेयर्स लिए हैं तो वो ओरिजिनल वैल्यू जो है वो 10 रुपये थी, यानी कि एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है। फ्लोर प्राइस कितना है हमारा, 902, तो ये 90.2 टाइम्स है हमारे फेस वैल्यू का, और जो कैप है वो 949 है, तो ये 94.9 टाइम्स है हमारा फेस वैल्यू का। अब जहाँ पे आप जानते हो कि जो फ्लोर, जो हमारा फ्लोर प्राइस रहता है या हमारा जो कैप प्राइस रहता है,
ये हमारा हो जाता है प्रीमियम प्लस फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू हम लोग को पता है कितना है, 10 रुपये। तो जब आप 902 में से 10 रुपये घटाओगे या 949 में से 10 रुपये घटाओगे तो उतने प्रीमियम पे ये शेयर सेल हो रहा है। समझ में आई बात? यानी कि आपका कोई ज़मीन है 1 लाख रुपये का, 1 लाख, और आप इसको बेच रहे हो 90 लाख में, तो यहाँ पे 89 रुपीज़ का जो वैल्यू है वो आपकी प्रीमियम है। तो यहाँ पे भी ये जो इसका ऑफर प्राइस आप बोलो, जो ऑफर प्राइस है, ऑफर प्राइस जो है वो एक प्रीमियम पे इशू हो रहा है, ठीक है। और वो प्रीमियम कितना है, तो 902 में से 10 को घटा लो और 949 में से 10 को घटा लो। तो ये चीज़ है, बिडर्स जो है वो आपका मिनिमम 15 इक्विटी शेयर्स ले सकते हैं। और जाहिर सी बात है, जब आप 15 इक्विटी शेयर लोगे तो जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो आप कितना कर सकते हो, तो 902 × 15 जो मिनिमम आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो कितनी होगी, 15 शेयर, क्योंकि मिनिमम आपको 1 लॉट लेना है, × 902। तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 13,530। अब जाहिर सी बात है, ये नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए, जो रिटेल इन्वेस्टर है वो 45 माइनस करेगा, इस 902 में से 45 माइनस करेगा, और जो पॉलिसी होल्डर है वो इस 902 में से 60 माइनस करेगा, ठीक है। तो 13,530 आपकी मिनिमम है, और 15 × 949 कर दो, 14,235। यानी मिनिमम आपको इसी रेंज में इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पे वही बात है कि जो ऑफर फॉर सेल है वो आपका 2,31,000 221 मिलियन शेयर का है, जिसमें से इम्प्लॉयज़ के लिए 1.5 मिलियन शेयर जो है वो पहले से ही रिजर्व है, यानी कि इतने शेयर तो इम्प्लॉयज़ को मिलेंगे ही मिलेंगे। पॉलिसी होल्डर के लिए लगभग 22 मिलियन से इक्विटी शेयर जो है वो रिजर्व है। तो बचे कितने, तो बचे हम लोग के पास 197 मिलियन, यानी कि यही जो है मेन इक्विटी शेयर्स जो है वो बचे हुए हैं फॉर रिटेल इन्वेस्टर, चाहे आपका QIB हो गया, चाहे आपका HNI हो गया, इन सब के लिए जो नंबर ऑफ शेयर है वो 197,000,656 के करीब है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, तो आगे देखो ये हमारे बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है। बुक रनिंग लीड मैनेजर्स इन द सेंस ये हमारे क्या है, अंडर राइटर्स। IPO स्टार्ट होने से एंड तक सारा जो काम होता है वो अंडर राइटर्स का होता है। इसके पहले वाले भी जो IPO वाली वीडियो है उसमें हमने बताया था कि अंडर राइटर्स का बेसिक काम क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक से ज़्यादा हमारे ये अंडर राइटर्स हैं, ये बहुत सारे हैं, आपको दिख रहा होगा कोटक महिंद्रा, गोल्डमैन सैक, एक्सिस कैपिटल, ICICI, बहुत से हमारे अंडर राइटर्स हैं। तो इस जब एक से ज़्यादा अंडर राइटर होते हैं तो उनको हम लोग सिंडिकेट ऑफ बैंक्स बोलते हैं, सिंडिकेट ऑफ बैंक्स। क्यों ऐसा होता है, क्यों एक से ज़्यादा अंडर राइटर्स या इन्वेस्टमेंट बैंक को आने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि देखो क्या होता है कि ये बहुत बड़ा रिस्क उठाते हैं कि अगर शेयर जो है न बिकेगा पब्लिक ऑफरिंग में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में, तो ये उस शेयर को बाई करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है एज ए इन्वेस्टमेंट बैंक। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप एक से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बैंक को रखते हो तो उस केस में जो रिस्क है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है, जो हम लोग का रिस्क है ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक ये भी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। मान लो सिर्फ एक या दो बैंक जो है ये अंडर राइटिंग करते, तो अगर कोई भी रिस्क है तो यही दोनों बैंक को उठाना पड़ता। अब यहाँ पे रिस्क क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो कभी भी जो IPO है जब बड़ा होता है, जैसे ये IPO 21,000 करोड़ का है, यहाँ पे 21,000 करोड़ रुपए लगभग इशू किए जा रहे हैं, तो जो कि पेटीएम से भी बड़ा है, पेटीएम का 18,000 करोड़ तो होगा अगर आपको याद है। तो यहाँ पे 21,000 करोड़ का IPO इशू हो रहा है, तो काफ़ी बड़ा IPO। तो इस केस में एक से ज़्यादा अंडर राइटर्स की ज़रूरत है ताकि रिस्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। उसके बाद अगर कंपनी के बारे में समझ ले, तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि LIC जो है एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की, और ये बहुत साल, मतलब 65 ईयर से ज़्यादा से है इंडिया में। 1965 में 245 जो प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी उन लोगों को मिला के LIC का फॉर्मेशन हुआ था, 5 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ इनिशियल कैपिटल। थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट और 10th मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रांड है, यानी कि बहुत ही बड़ी ये कंपनी है, बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी। अभी हम लोग आगे भी इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो अगर हम लोग बात करें इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम जो है, ये 61.1% जो मार्केट शेयर है वो इनका है। ये जो है GWP, GWP मतलब हो गया ग्रॉस रिटेन प्रीमियम, यानी कि जो टोटल प्रीमियम्स आते हैं, ग्रॉस रिटेन प्रीमियम यानी कि जो टोटल प्रीमियम आते हैं, यानी कि अगर 1,000 रुपीज़ के प्रीमियम आए तो उसमें से 611 रुपीज़ के प्रीमियम जो है वो LIC के रहते हैं। फिर न्यू बिजनेस प्रीमियम की बात करें, न्यू बिजनेस प्रीमियम क्या होता है कि कभी भी कोई भी अगर पॉलिसी होल्डर जो है वो अपना किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में पॉलिसी लेने जाता है, तो उसे पहले वो फर्स्ट टाइम पे करता है, फर्स्ट पे, और फिर वो रिन्यू कराते रहता है अपनी पॉलिसी को। तो ये जो फर्स्ट टाइम पे करता है ये आपका होता है न्यू बिजनेस प्रीमियम, और जो रिन्यू कराते रहता है वो रिन्यूअल प्रीमियम होता है। तो फर्स्ट टाइम जो प्रीमियम है ये बेसिकली क्या दिखाता है, ये कंपनी के ग्रोथ को दिखाता है, और रिन्यूएबल जो प्रीमियम है वो आपका दिखाता है कि कंपनी की वो कितना अपने बिजनेस को होल्ड कर पा रहा है। तो यहाँ पे न्यू बिजनेस प्रीमियम के मामले में ये 61.4% मार्केट शेयर कवर करता है, यानी कि 1,000 रुपीज़ का अगर न्यू प्रीमियम हुआ है तो उसमें से 614 रुपये का जो न्यू प्रीमियम है वो LIC का होगा।
बाकी का जो आपका बच गया 386, ये जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स या दूसरी कंपनीज है वो इशू करते हैं। यहाँ पे 614 यानी 61.4% मोर देन 50% जो मार्केट शेयर है न्यू बिजनेस प्रीमियम का वो LIC के से होता है। फिर उसके बाद इंडिविजुअल पॉलिसीज़ की अगर बात करें तो इंडिविजुअल पॉलिसीज और ग्रुप पॉलिसीज। इंडिविजुअल पॉलिसीज हो गया कि जब कोई इंडिविजुअल कोई पॉलिसी लेने जाता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो उसको इंडिविजुअल पॉलिसी बोलते हैं। ग्रुप पॉलिसी मतलब हो गया कि कोई कंपनी है एक्स वाई जेड, अब इसमें 200 इंप्लॉयज़ है और उनको इन सारे इंप्लॉयज़ का इंश्योरेंस लेना है तो उस केस में ये कंपनी जाएगी LIC के पास। तो यहाँ पे LIC क्या करेगी, ग्रुप पॉलिसी इशू करेगी इसके पूरे इंप्लॉय के लिए, तो इसको हम लोग ग्रुप पॉलिसी बोलते हैं। तो पूरे मार्केट में जो इनका इंडिविजुअल पॉलिसी के केस में मार्केट शेयर 71.4% है, यानी कि पर 1000 पॉलिसीज जो इंडिविजुअल पॉलिसी इशू होती है उसमें 714 जो है वो LIC इशू करती है। और ग्रुप पॉलिसी की बात कर लें उसमें अगर 1000 ग्रुप पॉलिसी इशू हो रही है तो उसमें से 888 जो है वो LIC इशू करती है। तो यानी कि हमें पता चल गया कि इनका मार्केट पे पकड़ काफ़ी ज़्यादा है, मार्केट शेयर इनका काफ़ी ज़्यादा है। फिर उसके बाद अगर बात करें इंडिविजुअल एजेंट्स की बात करें तो लगभग 55% जो टोटल एजेंट्स हैं इंडिया में जो कि इंश्योरेंस कराते हैं उनमें से 55% जो इंडिविजुअल एजेंट्स हैं वो LIC के ही हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा इनका नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल एजेंट्स का है। अब इसमें एक थोड़ी रिस्क ये है कि LIC को इंडिविजुअल एजेंट्स जो है वो रिक्रूट करना पड़ता है, तो कभी भी कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस में प्रॉब्लम आ गए, ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कभी भी कोई प्रॉब्लम आ गया तो वो इनके पूरे बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। दूसरा ये कि कमीशंस भी जो इंडिविजुअल एजेंट्स का है वो LIC के केस में सबसे ज़्यादा है, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो इंडिविजुअल एजेंट्स का नेटवर्क है वो LIC का ही है। फिर उसके बाद मोस्ट ऑफ जो न्यू बिजनेस जो इनके प्रीमियम्स है वो इन्हीं 5 स्टेट यानी कि महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु से ही आते हैं, जो कि थोड़ा रिस्क वाला भी पार्ट है क्योंकि न्यू बिजनेस जो इनके प्रीमियम है वो ज़्यादा जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन उनका ज़्यादा नहीं है। जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन जो है वो उनका क्या है, लेस है। इस केस में इन 5 स्टेट में अगर इस कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो इनके बिजनेस को, मोस्ट ऑफ द बिजनेस को प्रॉब्लम कर सकती है। तो ये भी एक तरीका का क्या है, रिस्क है। यहाँ पे भी एक तरीके का ये रिस्क है। आगे बढ़ते हैं तो ये क्या है, ये 8 सितंबर 2021 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 100 मिलियन शेयर इशू किए थे, फिर 622 मिलियन के करीब शेयर इशू किए हैं बोनस के फॉर्म में। ये जो है ये बोनस के फॉर्म में इन लोगों ने लिए थे। तो ये इशू क्यों किया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप अपना IPO लॉन्च कर रहे हो तो उस केस में आपको शेयर चाहिए होगा, तो शेयर जो है वो किसी के नाम पर होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतने शेयर जो है जो प्रमोटर हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनके नाम पर 8 सितंबर 2021 को किया था, ठीक है। और इसी को फिर वो क्या कर रहे हैं, ऑफर फॉर सेल में IPO में अपना सेल कर रहे हैं।